हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है किचन के टिप्स, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो जल्दी चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहला टिप्स तो ये है फ्रेंड्स कि जो प्याज है ना, ये देखिए हम लोग के घरों में रोज यूज होते हैं और इसको छीलने में काफी टाइम लगते हैं। और इस बार जो प्याज हम लोग लेके आए ना, ये थोड़े से छोटे छोटे भी आ गए हैं, तो उसको क्या छीलने में काफी टाइम वेस्ट होता है। आप लोग भी छीलते होंगे कितना टाइम जाता है इसका, है ना। तो आप लोग इकट्ठे जैसे छील के रख लीजिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक दिन के जैसे दोनों टाइम के हिसाब से या दो दिन के हिसाब से। बहुत ज्यादा छील के नहीं रखती हूँ, एक दिन दो दिन के हिसाब से मैं छील छील के एक अच्छे से एयर टाइट जो बॉक्स है ना, स्टील की जो डिब्बे है ना, उसमें ढक्कन वाले डिब्बे में रख लेती हूँ। और आप लोगों को जैसे 1 वीक के लिए रखना हो तो 1 वीक के लिए भी आप लोग रख सकते हो, पर ग्लास के जो कंटेनर होते हैं ना, जार होता है ना, ग्लास जार जो होता है जिसमें अचार वगैरह हम लोग रखते हैं, उसमें रख के आप फ्रिज में रख दीजिए, तो काफी टाइम तक 1 वीक तक, 10 दिन तक आपके बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो मैं तो ऐसे 2 दिन के लिए मुझे रखना था, ज्यादा रखना नहीं था, तो मैंने थोड़े बहुत प्याज, कम से कम 8-10 प्याज होंगे, इसको मैंने छील के रख लिए हैं। और उसका जो पानी है ना, ये लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करेगा। और प्याज के छिलके भी देखिए मैं आगे बताऊंगी आपको कहाँ यूज होगा, ये दोनों चीजें हमारी यूज होंगी। तो बस इसको रख लीजिए, इसका बहुत सारा टाइम बचेगा फ्रेंड्स। आप लोग ऐसा करके देखिए, काफी टाइम बचत होती है इससे। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, तो जिससे मेरा काफी टाइम मतलब बच जाता है। और छोटे छोटे प्याज नहीं तो हम छीलते रहते हैं, कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। और बड़े प्याज भी हम लोग छीलते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, पर छोटे प्याज हो ना तो जरूर आप लोग ऐसे छील छील के उसको रख लीजिएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो इसका जो पानी है ना, ये मैंने अलग करके एक बॉटल में डाल के रख दिया है, लिक्विड फर्टिलाइजर का काम ये करेगा। और चलिए मैं अब दिखाती हूँ इसको। अब ये सेकंड टिप्स के लिए हम लोग आ गए। देखिए पीछे गमले में मैंने बटन रोज लगाए थे घर के पीछे साइड में, उसी में मैं ये पूरा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी आगे जा नहीं रही मैं, और बाद में जब और भी मैं छील के रखूंगी ना, तब मैं फिर और आगे जाके डालूंगी। और ये देखिए हमारा थर्ड टिप्स है, इसमें मैंने क्या किया है, धनिया जो है ना, हरा धनिया, ये मतलब कई बार हम लोग को ना अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं इकट्ठे लेके आ जाती हूँ। और मैं ना थोड़ा तो लेती भी नहीं हूँ, 10-20 रुपए का इकट्ठे ही ले लेती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है खराब ना हो जाए, तो क्या करती हूँ पहले जो मतलब खराब खराब वो रहते हैं ना, वो तो अलग कर देती हूँ, और 2 पानी से इसको अच्छे से धो लेती हूँ। कई बार जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाना है, एक ही पानी में धो रहे हैं, फिर दोबारा धो नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले ही अच्छे से 2 पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इसकी जो पीछे की डंठल है ना, वो भी वॉश कर लेती हूँ, मैं दोनों कर लेती हूँ, आगे पीछे सब अच्छे से वॉश करके अच्छे से इसको एयर टाइट डिब्बा, जो स्टील का डिब्बा है ना, उसमें रख लेती हूँ, बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो आप लोग भी ऐसा करके फ्रिज में रख दीजिए। और सबसे पहले तो हम लोग इसको धो लेंगे अच्छे से, धो के जो कॉटन का जो नैपकिन वगैरह होती है ना, टॉवल होते हैं छोटे से टॉवल वगैरह, उसमें अच्छे से रख मतलब डाल देती हूँ मैं इसको, बिछा के फैला के, ताकि जो इसका पानी है ना वो पूरा अच्छे से सोख लेता है। तो मतलब इकट्ठे नहीं धोती हूँ, 2-3 ऐसे लेके डंडियां लेके इसकी अच्छी से धो लेती हूँ, 3-4 बार में अच्छे से धो लिया और पूरा इसमें टॉवल में बिछा दिया इसको, तो पानी पूरा ये सोख लेगा। फिर उसको है ना, टॉवल को हम लपेट भी देंगे, थोड़ा सा लपेट के इसको और पोंछ देंगे, जो बचा कुचा इसका पानी होता है ना, वो भी सब अच्छे से निकल जाएगा। जब पानी इसका अच्छे से निकल जाएगा ना, तो बस इसको हम लोग निकालेंगे, देखेंगे, जब पानी नहीं है इसमें, बहुत है तो नहीं के बराबर है, तो बस उसको स्टील के डिब्बे में डाल के अच्छे से ढक्कन लगा के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। आप मानेंगे नहीं, 10 दिन तक समझ लीजिए धनिया एज इट इज फ्रेश रहता है, बिल्कुल बिल्कुल खराब नहीं होगा। 1 वीक 10 डेज आप आराम से इसको चला सकते हैं। तो कई बार क्या, धनिया हमारा ज्यादा यूज होता नहीं है, कई बार हम लोग बाहर जाके खा लेते हैं, मम्मी के चली जाती हूँ, तो बहुत मेरे मतलब धनिया समझ लीजिए मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ, तो 10-10 दिन तक वो खराब ही नहीं होते हैं। स्वीटी भी ऐसे ही करती है, वो भी पूरा ऐसे ही बिछा लेती है अच्छे से, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, और ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलता है, फिर ये जल्दी खराब ही नहीं होता है। तो आप लोग भी ऐसा करके देखिए, ये काफी टाइम तक चलेगा और बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो बस इसको अच्छे से पोछ वोछ के, डिब्बा जो होता है स्टील का डिब्बा ढक्कन वाला, जिसमें पहले हम लोग यूज करते थे ना, कैसरोल के भी पहले हम लोग जब करते थे स्टील के डिब्बे में रोटियां वगैरह रखते थे, इस टाइप के चौड़े मुंह वाले डिब्बे में मैं रख लेती हूँ, तो उससे क्या होता है अच्छे से वो उसको जगह मिल जाती है, क्योंकि इसकी डंडियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके उसी में डाल देती हूँ स्टील के डिब्बे में, और अच्छे से ढक्कन लगा देती हूँ ना, बिल्कुल मतलब खराब नहीं होगा, बहुत फ्रेश रहता है ये। जब हमको निकालना है तब धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमको, फटाफट निकाला हमने, काटा और डाल दिया सब्जी में। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और जो कप्स वगैरह है ना फ्रेंड्स, देखिए हम लोग के यहाँ सबके यहाँ फ्रेंड्स ये कप यूज होते हैं, है ना, आप लोग भी मानते हैं ना इस चीज को कि कप हम लोग के यहाँ देखिए रोज ही यूज होता है, और उसकी जो हैंडल होता है ना वो जरूर गंदे हो जाते हैं। हम लोग जब धोते हैं अच्छे से सर्फ से, उसके बाद भी हम लोग के यहाँ हैंडल थोड़ा बहुत अगर गंदा हो ही जाता है, तो जब भी ब्रश आता है ना, तो एक ब्रश मैं निकाल के कप के लिए रख ही लेती हूँ, नया ब्रश निकाल के अलग से सिर्फ कप धोने के लिए रखती हूँ। तो बस इसके हैंडल्स वगैरह कप से ब्रश की सहायता से थोड़ा थोड़ा सर्फ उसमें लेके, जरा सा सर्फ ही, ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इतने अच्छे से उसके हैंडल साफ हो जाते हैं ना, तो देखिए अलग से हमें धोने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो जब भी फ्री टाइम मिलता है ना, मैं क्या करती हूँ, पूरे कप लेके बैठ जाती हूँ और बस ब्रश उठाया, थोड़ा सा सर्फ लगाया और लगा के उसकी पूरे हैंडल को अच्छे से साफ कर देती हूँ। फिर क्या, जल्दी जल्दी में हम लोग जब कप धोते हैं, अंदर बाहर सब तो अच्छे से धोते हैं, पर हैंडल्स में कई बार हम लोग का ध्यान नहीं रहता है, और या तो वो ऐसे रहता है हैंडल की साफ नहीं हो पाता है वो जल्दी जल्दी में। तो बस एक ही दिन पूरे हैंडल्स को अच्छे से साफ कर लिया, उसके बाद तो रेगुलर वॉश तो होता ही होता है, तो उससे वो वैसे ही साफ होते रहते हैं, गंदे होते ही नहीं है। तो वीकली वंस अगर अपन ने अच्छे से कर दिया, और बाकी टाइम जब हम लोग कप को साफ कर रहे हैं तो साथ में वो भी हो ही जाता है, तो अच्छे से वॉश हो जाता है पूरा। और ये देखिए मैं आ गई हूँ आगे की तरफ, तो ये जो मैंने प्याज के छिलके रखे थे ना, वो सब मैं पूरे प्लांट्स में डालूंगी। इससे क्या है कि अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलेगा प्लांट्स को, और अच्छे से ग्रो करने में, मतलब उनको ग्रो करेंगे, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आलू प्याज खीरा है, और फ्रूट में सिर्फ केले के छिलके डालती हूँ मैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करते हैं ये, सारे पौधों में ये अच्छे से मिक्स करके गुड़ाई कर दूंगी, और गुड़ाई करके पानी की ज़रूरत अभी नहीं है इसलिए मैंने पानी डाला नहीं है, पर शाम को मैं फिर डाल दूंगी पानी। धूप है इसलिए मैंने पानी नहीं डाला, बताते हैं कि धूप में पानी डालने से पौधे जल जाते हैं, तो मैं इसलिए आफ्टरनून जब बहुत तेज़ धूप रहती है ना तब मैं पानी नहीं डालती हूँ। तो बस मैंने गुड़ाई कर दिया, मिट्टी सब गीली है, शाम को थोड़ा थोड़ा एक एक ग्लास के करीब सारे पौधों में डाल दूंगी। तो मैं ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ चार पांच गमलों को, तो एक दिन चार पांच गमले हो गए, अगले दिन और हो गए, तो इस टाइप से इनको अच्छे से घर के ही फर्टिलाइजर से देखिए कितने अच्छे से हम लोग के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। तो ये देखिए अदरक का है, कितना अच्छा देखिए ग्रो कर रहा है ये अदरक का। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे अदरक लगे थे, हमने चार पांच गमलों में अदरक लगाए थे, ये देखिए फिर से हमने लगाए हैं तीन चार गमलों में। अब ये फिर से मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे देखिए मिर्ची जो है ना, हम लोग कई बार है ना खूब सारा लेके आ जाते हैं, एक एक पाव लेके आ जाते हैं, और ज्यादा भी लेके आ जाते हैं, आधा किलो भी मिलता है तो आधा किलो ले जाते हैं, मतलब जिन लोग बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं उन लोग के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। जो इसकी डंठल होती है ना, बस उसी से समझ लीजिए ये खराब होते हैं, और डंठल अगर हमने अच्छे से वॉश करके डंठल को निकाल के हम लोग ने ऐसे ही कुछ भी कोई भी एक डिब्बा जिसमें होल्स वगैरह है ना, मैंने उसी टाइप के डिब्बे में डाला है, इसकी ढक्कन में भी होल्स है और नीचे की साइड भी होल्स है, और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, ये समझ लीजिए एक एक महीने खराब नहीं होगा। मतलब मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हमारे यहाँ मैं ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। और ये देखिए मुझे अचार बनाना है, तो अचार के लिए मेरी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी कि इसको नमक में जो मॉइस्चर होता है ना उसके कारण भी अचार खराब होते हैं, तो नमक को भी थोड़ा सा मतलब सूखा ऐसे ही भूंज लिया करो। तो मैं देखिए ऐसे ही भूंज लेती हूँ, तो अचार जो है ना लॉन्ग लास्टिंग रहता है फिर। और ये आ गई मैं छत पे, और यहाँ पे देखिए मैंने ये मूंगफली जो है ना इसको मैंने अच्छे से धूप दिखा रही हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में ना ये सब चीज़ें खराब हो जाती है, पैकेट से हम लोग निकालते खराब हो जाती है, तो धूप दिखा के आप लोग रखिए या तो सेक लीजिए। और ये राजमा का पैकेट है, आधा यूज हो गया है और डिब्बा मैंने धुलने में डाल दिया है। अब मैं सोच रही इसको क्या करूं, तो इसको मैं अच्छे से क्लिप से टाइट कर दूंगी, तो जब इसमें हवा नहीं जाएगी तो समझ लीजिए हमारा राजमा बिल्कुल खराब नहीं होगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और डिब्बा आपका जब आ जाएगा आप डिब्बे में डाल दीजिए, अगर आप डिब्बे में नहीं भी डाल रहे हैं और ऐसे ही क्लिप्स लगा के रख रहे हैं टाइट करके, बिल्कुल खराब नहीं होगा ये। और ये देखिए मैं आ गई अब फिर से छत में आई हूँ मैं, मुझे बनाना है चूड़ा, जो वो बनाते हैं ना केवड़ा या चूड़ा जो भी बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए देखिए मक्का पोहा लेके आई थी मैं, मुरमुरा मेरे पास रखा हुआ था और पोहा लेके आई थी पतला पोहा, नागपुरी पोहा जो होता है ना पतला वाला चूड़े का। तो बस इसके कचरे वचरे साफ करके मैं इसको धूप दिखाती हूँ हमेशा, जब भी घर में चूड़ा बनाती हूँ ना धूप जरूर दिखाती हूँ मैं। धूप दिखाने के बाद क्या होता है, इससे हम लोग की मतलब गैस की भी बचत होती है, जब हम लोग नीचे आके उसको जो भी फ्राई करना है जो भी सेकना है जो भी काम करते हैं ना, तो ये जल्दी हो जाता है क्योंकि गर्म हो चुका रहता है ये। और बस नीचे लेके आई, दो तीन घंटे की धूप दिखा देती हूँ अच्छे से, तेज़ धूप में अगर दो तीन घंटे भी रख दिया हमने तो मूँगफली हो गई ये सब चीज़ें अच्छे से बहुत जल्दी भुन जाएंगे, टाइम मतलब बचेगा और टाइम के साथ साथ गैस की भी बहुत बचत होती है। तो इसी टाइप से मैं हमेशा करती हूँ, धूप में रखती हूँ, बिना धूप में रखे मैं कभी भी डायरेक्ट ऐसे सेकती नहीं हूँ, धूप में रख लेती हूँ अच्छे से। तो बस तीनों चीज़ों को मैंने मिला दिया है, मतलब धूप दिखा दिया है, और धूप दिखा के इसको दो तीन घंटे के बाद नीचे ला के इसका चेवड़ा बनाऊंगी मैं। तो बस यही सब करती रहती हूँ मैं फ्री टाइम में। तो ये इससे क्या है, एकदम क्रिस्पीनेस बना रहेगा, मतलब ये सॉफ्ट नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्पी रहेगा और बहुत जल्दी भुन जाएगा ये, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है, फटाफट भुन जाएगा ये अपना। फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए मुझे, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए शेयर भी करिए, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को आप लोग वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
जल्दी मिलती हूँ कुछ और अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।